हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू, एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिगारो ऑलिव ऑयल से रिलेटेड। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कौन से ऑयल से मसाज करनी चाहिए। मार्केट में कई तरह के ऑयल अवेलेबल हो जाते हैं बेबीज की मसाज करने में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर मैंने अपने बेबी के लिए फिगारो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। मेरा एक्सपीरियंस इस ऑलिव ऑयल के साथ कैसा रहा, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में कई ब्रांड्स में बेबी मसाज ऑयल अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप जैतून के तेल से अपने बेबी की मसाज करना चाहते हैं या ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, इससे आप अपने बेबी के मसाज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको रिफाइंड या प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल यूज नहीं करना है। तो आपको यूज करना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये जो ऑलिव ऑयल है फ्रेंड्स, ये प्योर फॉर्म में होता है। ऑलिव ऑयल में विटामिन ए, विटामिन ई होता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन ई, ये दोनों ही चीज़ें आपके बेबी के बॉडी मसाज के लिए और हेयर मसाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप फिगारो ऑलिव ऑयल से रोज़ाना अपने बेबी को मसाज देते हैं, तो इससे आपके बेबी की डेलिकेट स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सफल रहेगी। उसके बाल भी बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। बालों में बेबीज के जो क्रेडल कैप की प्रॉब्लम होती है, हेड पर जो पपड़ी सी जम जाती है, उसे भी ये फिगारो ऑलिव ऑयल ठीक करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रात में आपको बेबी को ये ऑलिव ऑयल अच्छी तरह से बेबी के हेड में मसाज करनी होगी, और सुबह जब आपका बेबी उठता है उस वक्त आपको हल्के गुनगुने पानी से आपके बेबी का हेड धो देना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी जो बेबी की क्रेडल कैप की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इससे जो है फ्रेंड्स, बेबी के बोन्स भी बहुत मजबूत होते हैं। इसके अलावा बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है। तो ये जो ऑलिव ऑयल है, ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप किसी भी सीज़न में इस ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब मेरा बेबी का बर्थ हुआ था, तब मैंने सबसे पहले तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला हिमालया का ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया था। 1 or 2 months मैंने इसे यूज़ किया। देन आफ्टर मैंने फिगारो ऑलिव ऑयल से अपने बेबी को मसाज देना स्टार्ट किया। मेरा बेबी 3 months का था, तब से ही मैंने फिगारो ऑलिव ऑयल से उसकी मसाज की है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस इस फिगारो ऑलिव ऑयल को लेकर बहुत ही अच्छा रहा। ये जो फिगारो ऑलिव ऑयल है, ये बहुत चिपचिपा नहीं होता है, जैसे कि सरसों तेल वगैरह से अगर आप अपने बेबी की मसाज करते हैं तो वो थोड़ा चिपचिपा होता है। आप बेबी को नहलाते भी है तब भी जो है ऑयल बेबी के बॉडी पर रहता है। बालों में भी जो है चिपचिपाहट रहती है सरसों के ऑयल से, और कई बार सरसों का ऑयल बेबीज को सूट भी नहीं करता है। स्पेशली इन समर सीजन सरसों ऑयल से बेबी की मसाज करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो गर्म होता है और समर सीजन में इससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप फिगारो ऑयल यूज़ करते हैं तो आप कोई भी सीजन में इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो फिगारो ऑलिव ऑयल है, ये बेबीज के डायपर रैशेस की प्रॉब्लम में भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। अगर आपके बेबी को डायपर रैशेस की प्रॉब्लम होती है तो आप इस फिगारो ऑलिव ऑयल को उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है डायपर रैशेस की प्रॉब्लम में भी। और फ्रेंड्स, वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर अगर आपके बेबी की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इस ऑयल को अपने बेबी को मसाज देने से पहले एक बार एक पैच टेस्ट कर सकते हैं। आपके बेबी के पैरों की जगह पर या हाथ पर कहीं पर भी आप ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा कर देखें। अगर उसे किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है तो आप इस फिगारो ऑलिव ऑयल की मसाज आपके बेबी को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बेबी को किसी भी तरह की एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस फिगारो ऑलिव ऑयल को अपने बेबी को मसाज देनी चाहिए।
फ्रेंड्स, ये जो फिगारो ऑलिव ऑयल है ये बहुत ही अच्छा लिप बाम का और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। स्पेशली जिन बच्चों की उम्र 5 साल से ऊपर है, उनमें अगर लिप्स या चिक्स फटने की प्रॉब्लम होती है, इन विंटर सीजन अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो ऐसे में आप रात में सोने से पहले बच्चे को कुछ बूंदे ऑलिव ऑयल की उसके लिप्स पर और चिक्स पर अगर लगाते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो फिगारो ऑलिव ऑयल है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्पेनिश ब्रांड है, 1919 से ये चला आ रहा है और इंडियन मार्केट का ये वेल रेपुटेड ब्रांड है। मोस्ट ऑफ द मदर्स अपने बेबी के मसाज के लिए इस फिगारो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती है। जहाँ तक कि इसके पैकेजिंग की बात है तो ये इस तरह से प्लास्टिक की बोतल में भी आता है, 3 कंटेनर में भी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये जो 100 ml की बोतल है 91 ग्राम और ये प्लास्टिक बोतल में आती है, जिसकी प्राइस है करीब 160 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो 150-160 रुपीज़ में आपको ये बोतल मिल जाएगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 20 की है और बेस्ट बिफोर जनवरी 22 है, तो 2 साल तक ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। ये प्रोडक्ट जो है ये 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपके बेबी के मसाज के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, बेबी को मसाज करने के कई सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से सब में महत्वपूर्ण है बेबी के स्किन को नरिश करने के लिए, उसके बालों को नरिशमेंट देने के लिए, इसके अलावा बेबी के बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, उसे हमेशा एक्टिव रखने के लिए मसाज बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके बेबी को सुबह शाम मसाज देते हैं तो इससे जो है आपका बेबी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा और इस वजह से उसे किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए और कोई भी माइलस्टोन अचीव करने में उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, उसकी हेल्दी ग्रोथ होते रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो फिगारो ऑलिव ऑयल है मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं आपके बेबी मसाज के लिए, तो आप बिना किसी झिझक के इसे आपके बेबी को मसाज दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको एक्सेप्शनल चीज़ें बताई है, जैसे कि एक्जिमा या किसी भी तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या आपके बेबी की स्किन ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस फिगारो ऑलिव ऑयल से अपने बेबी को मसाज देनी चाहिए। अगर आपके बेबी की उम्र 1 साल से ऊपर है तो आपको अपने बेबी को 2 टाइम मसाज देनी चाहिए, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में। उम्र के 3 साल तक बेबी को मसाज देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप किसी वजह से आपके बेबी को 2 टाइम मसाज नहीं देते हैं तो आपको 1 टाइम आपके बेबी को मसाज ज़रूर देनी चाहिए, स्पेशली जब आपका बेबी 1 साल से कम उम्र का है, उस समय आपको बेबी को एटलीस्ट 1 टाइम मसाज देनी चाहिए। बेबी की मसाज करते समय स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, तो उनमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि मसाज करते समय ज़्यादा जोर देकर बेबी को मसाज नहीं करनी चाहिए, इससे जो है बेबी को तकलीफ़ हो सकती है। तो मसाज हमेशा हल्के हाथों से करें। आपके घर पर अगर कोई बाई आती है मसाज करने के लिए तो आपको उन्हें बताना है कि ज़्यादा ज़ोर लगाकर मसाज ना करें। जहाँ तक हो सके अगर आप खुद अपने बेबी की मसाज कर सकती है तो हल्के हाथों से ही आप अपने बेबी की मसाज करें, इससे जो है आपका बेबी सेफ भी रहेगा। इसके अलावा आप में और आपके बेबी के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने चैनल पर मोस्ट अफोर्डेबल इफ़ेक्टिव यूजफुल प्रोडक्ट्स रिव्यू, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, बेस्ट ब्यूटी एंड हेयर केयर टिप्स रिलेटेड वीडियोस, हेल्दी प्रेगनेंसी टिप्स रिलेटेड वीडियोस, पोस्टपार्टम पोस्ट डिलीवरी केयर फॉर मॉम रिलेटेड वीडियोस और मदर एंड चाइल्ड केयर वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी हिट करें, उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ।
तो आप हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दे, हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेल्दी लाइफ गोल्स।